अब हम लोग देखेंगे कि गुलाम का नियम क्या है। तो बच्चों गुलाम का नियम क्या है, इसको जानने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता था कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है, ये हमें न्यूटन के नियम से पता चला था कि क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होता है, ये हमें गुलाम का नियम बताएगा। ठीक है, तो गुलाम का नियम क्या कहता है, दो स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले हम ये पता कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं अपना। माना कि दो आवेश है, ये एक वस्तु था उस पर आवेश क्या है Q1 है, ये एक पदार्थ है उस पर आवेश क्या है Q2 है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है R मान लिया है। ठीक है जी, तो कुलाम का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, जो बल है कुलाम बल जिसे हम लोग कहते हैं, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये दोनों आवेश हैं, ये रहा Q1 और वो आवेश क्या है Q2, दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है दोनों का गुना, बीच में ऐसे दे दिया दोनों गुना हो गया, और उसके क्या होगा समानुपाती होगा। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ये आवेश होगा या तो जितना ज़्यादा ये आवेश होगा दोनों का गुना उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब आवेश ज़्यादा तो दोनों के बीच में लगने वाला जो ताकत है वो भी क्या ज़्यादा, और अगर आवेश दोनों का कम होगा तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो ताकत है कुलाम बल है वो भी क्या होगा कम होगा। ये इसका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कुलाम के नियम का कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बन बटे किसके भाई, तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ, देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये वाला चीज़ जितना बड़ा होगा बल उतना ही कम होगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा दोनों के बीच की दूरी उतना ही कुलाम बल क्या होगा कम लगेगा। वैसे भी जाहिर सा बात है, आप अगर एक चुंबक के जरिए देखना चाहो तो दो चुंबक के बीच में अगर दूरी कम रहे तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से खींचता है, दूरी बढ़ा देते हैं तो ताकत क्या हो जाता है कम जाता है। सेम हेयर है ना, तो दोनों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगा कुलाम बल उतना ही कम काम करेगा। तो ये रहा इसका दूसरा स्टेटमेंट। अगर हम समीकरण वन और सेकेंड से देखें तो क्या हो जाएगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये जो कुलाम बल है F है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, Q1 Q2 इसके तो समानुपाती है ही है, और बट्टे में क्या है R स्क्वायर। तो ये देखिए आर स्क्वायर, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा, बोलिएगा सर ये ऐसे एक साथ कैसे कर दिया, तो एफ जो है समानुपाती है किसके Q1 Q2 के, एफ जो है वो समानुपाती है किसके बन बटा आर स्क्वायर के। ठीक है, या तो कह सकते हैं आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो है यही कहता है हमारा कुलाम का नियम, यही है मेन। ठीक है जी, अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत बस अपने तरीके से थोड़ा सा इसमें ये समानुपात का चिन्ह वगैरह हटा देंगे और वो बढ़िया से कुलाम का नियम आ जाएगा। तो अगर हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक डालना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू, हमने एक नियतांक डाला, वो नियतांक होता है के, कुछ भी लेना था हमने के ले लिया, तो Q1 Q2 बटे में क्या है आर स्क्वायर। ये है कुलाम के नियम का सूत्र, हम लोगों ने ड्राइव कर दिया। अब ये k क्या है, तो बच्चों k क्या है, k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, ये एप्सिलॉन जो होता है ये होता है निर्बाध की विद्युतशीलता, इसको कहा जाता है निर्बाध की विद्युतशीलता। इस बात का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये जो दोनों आवेश है वो कोई ना कोई मीडियम में रखा हुआ होगा, निर्वात या हवा भी बोल सकते हैं इसको, कोई ना कोई मीडियम में रखा होगा। मान लीजिए दोनों आवेश पानी में रखा हुआ है, तो क्या दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है पानी में लगने वाला बल, और अगर यही सेम आवेश सेम ही दूरी पे हवा में रखा रहे तो क्या दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो समान होगा, नहीं ना। पानी में जो लगने वाला बल होगा वो कुछ और होगा, हवा में लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा कुछ और होगा। ठीक, तो उसी तरीके से मतलब मीडियम पे जो बल है ना वो क्या करता है डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है निर्वात का या हवा का विद्युतशीलता, हवा में रखा रहे तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर हवा में नहीं रहे कोई माध्यम में रहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे बदल दिया करेंगे, क्लियर है। और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है इसको प्रयोगों के द्वारा दिखाया गया है कि 8.85 × 10^-12 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, सिर्फ इसी का मान पूछ देता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया कुलाम का नियम क्या है, के का मान क्या है, के क्या है ना, के क्या है एक नियतांक है, Q1 Q2 क्या है बच्चों तो ये आवेश था, R क्या है दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे देखना है इसका
एसआई मात्रक क्या होगा, मैं इसे अब रब कर दे रहा हूँ। आगे आइए, अब देखते हैं कि इन चीज़ों का एसआई मात्रक हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एसआई मात्रक निकालने का कोशिश करते हैं इस के का। तो के का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले के का मान निकाल लें। के का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10^-12। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9 × 10^9। ठीक है जी, ये आता है इसका मान। अब जरा सा हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं। एसआई मात्रक किन किन चीज़ों का एसआई मात्रक देखना है बच्चों, तो सबसे पहले देखना है एप्सिलॉन का एसआई मात्रक। एप्सिलॉन का एसआई मात्रक चलो पहले के का निकालते हैं। ठीक, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम वहां से देखें तो के इज इक्वल टू ये और ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, q1 q2, क्योंकि k जो है वो q1 q2 के साथ गुना में है। ठीक है, तो जब हम ये निकालेंगे कि इतना बराबर कितना, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, हमने वही लिखा है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, F क्या है, बल है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, वो होता है न्यूटन, हम लोगों ने लिख दिया न्यूटन। ये R क्या है बच्चों, R है दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो R लिखा मीटर। अब चूंकि ये R स्क्वायर है इसलिए मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई Q1 क्या है, आवेश, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये Q2 क्या है, ये भी आवेश है, तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम और कूलाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला K का एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से इसका एसआई मात्रक निकालने का कोशिश करते हैं। आगे आइए, ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या था, K का जो वैल्यू था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, ये देखो ये वाला चीज तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक होता नहीं, कांस्टेंट चीजों का, अचर संख्याओं का ऐसा ही मात्रक नहीं होता। तो देखो बन तो कांस्टेंट है, फोर भी कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होगा, तो इसका हमें ऐसा ही मात्रक निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए के का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1/ε₀। तो ये जो एसआई मात्रक निकला वो किसका एसआई मात्रक निकला है, 1/ε₀ का। अब ये जो ε₀ का हमें नहीं चाहिए, हमें क्या किसका चाहिए, एप्सिलन का चाहिए, तो इसको पलट दें, इसको जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ε₀ और बटे में कितना, 1। जब इसको पलटे हैं बराबर के एक साइड वाले को, तो दूसरे साइड वाले को भी पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम पहले लिख दें, ये बटे में बन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ये भी आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि दोनों समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बस कूलाम के नियम में हमें यही पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे आते हैं, हम लोगों को देखना यह है कि एक कूलाम किसको कहते हैं, एक कूलाम का परिभाषा पूछता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक कूलाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो बैक करके। अब देखिए एक कूलाम किसे कहा जाता है वो देख लेते हैं। एक कूलाम, देखिए एक कूलाम का परिभाषा दिखाने से पहले, मान लीजिए ये एक आवेश है, इस पे Q1 और Q1 का मान है 1, और ये जो यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है वो क्या है, Q2, और Q2 का भी कितना आवेश है, मान लेते हैं 1। Q1 का मान 1 है, Q2 का भी मान कितना है, 1 है। आगे आ जाइए, इन लोग दोनों के बीच का जो दूरी r है उसको भी हम लोगों ने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। तो यहाँ से जो बल लगेगा वो बल किसे कहेंगे, बल कितना हो जाएगा, तो बल इज इक्वल टू क्या है, के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10^9। Q1 का मान कितना है, 1। Q2 का मान कितना है, 1। R का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10^9। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, न्यूटन।
अब देखिए हम लोग इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो लिखेंगे कि एक गुलाम बल, एक गुलाम आवेश, बल नहीं, एक गुलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से एक मीटर की दूरी पे, है ना, इकाई दूरी पे, एक मीटर या इकाई बोल सकते हैं, इकाई दूरी पे एक गुलाम आवेश या समान परिमाण के आवेश पे कितना बल लगाता है, 9×10⁻⁹ न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, एक गुलाम आवेश, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से इकाई दूरी पर रखे समान आवेश पे, अपने से इकाई दूरी पर रखे समान आवेश पे 9×10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है, अगर चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से इकाई दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेश पर 9×10⁹ न्यूटन बल लगाता है। मतलब इतना बल लगाने वाला आवेश को ही क्या कहा जाता है, एक कूलाम आवेश कहा जाता है, जो कि कितने दूरी पर रखे वस्तु पे लगाता है, इकाई दूरी पर रखे हुए वस्तु पे इतना बल लगाता है। ये कोई छोटा मोटा बल नहीं है बच्चों, तो इतना बल लगाने वाला जो आवेश है वो भी कोई छोटा मोटा आवेश नहीं होगा। तो एक कूलाम आवेश जो है ना वो बहुत बड़ा संख्या, बहुत बड़ा आवेश है वो। ठीक है, तो आप लोग अब याद रखिएगा आज से कि एक कूलाम आवेश जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा आवेश है। अब हम लोग देखते हैं कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, या अब हम लोग देखने वाले हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या तो फिर परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो परावैद्युतांक का जो डेफिनेशन है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वाध की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक या तो फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ये निकलेगा कैसे, डेफिनेशन तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वाध की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए अगर हम कूलाम के नियम से चलें और निर्वात के लिए निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ निर्वात, मतलब कि कूलाम बल किसके लिए, निर्वात के लिए क्या होता है, के इंटू, या के जगह पे हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4πε0, है ना, निर्वात के लिए हो रहा है, और उसके बाद क्या, Q1 Q2 √R2। ठीक है, ये क्या है, मतलब यहाँ पे समझने के लिए मान लिया कि ये Q1 है जो कि R डिस्टेंस पे एक और आवेश रखा हुआ है Q2, निर्वात में रहेगा तो इतना लगेगा। ठीक, इसको हम लोग ना समीकरण एक मान लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसी निकाय को, ये जो निकाय बना हुआ है यहाँ पे, इसको किसी माध्यम में रख देते हैं, तो F माध्यम मतलब कि बल, कूलाम बल किस में, माध्यम में, कितना हो जाएगा, 1/4πε0। अब माध्यम के लिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, M, मीडियम, है ना, और दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, Q1 Q2 √R2। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने ले लिया 2। अब हमें क्या निकालना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, तो लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। ऐसा अगर करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से देखिए, समीकरण 1 क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 √R2 डिवाइडेड बाई 1/4πε m इंटू Q1 Q2 √R2। ये देखिए, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इन चीजों को, ये जो बच गया है इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, 1/4πε0 डिवाइडेड बाई कितना है, 1/4πε m। अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, ये वाला चीज कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 4πε m डिवाइडेड बाई कितना, 1। ये देखिए, 4π से 4π कैंसिल हो गया, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, εm/ε0 बच गया। अब देखिए, εm/ε0 क्या हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्भात की विद्युतशीलता, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, εr। तो यहां से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि εr इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना रहे तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ निर्वात डिवाइडेड बाई एफ माध्यम। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि बल के हिसाब से दिया जा सकता है, और एक फॉर्मूला कौन सा, εr, जो ये आया है यहां पे लिख देता हूं, εr इज इक्वल टू εm
बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परावैद्युतांक या तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो मैंने लिख रखा है। जैसे निर्वात के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता माना गया है प्रयोगों के द्वारा निकाला गया है वो आता है बन। ठीक है, इसी तरीके से वायु के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाला गया है वो निकाला गया 1.00059, जो कि लगभग बन के ही बराबर है। तो इसीलिए निर्वात को और वायु को लगभग एक जैसा ही माना जाता है। धातु के लिए अगर हम इसका मान का बात करें तो ये इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो ये दो तीन चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, बड़ा फायदा का चीज़ है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कूलाम बल का सदिश निरूपण। चूंकि बल एक सदिश राशि है तो हम उसको सदिश रूप में निरूपित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कूलाम बल पता होना चाहिए कि कितना है। यहाँ देखिए मैंने एक आवेश मान लिया यहाँ पे कि आवेश है Q1, यहाँ पे एक आवेश ले लिया ये क्या है Q2। ठीक है, जो कि समझाने के लिए नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, चलो ऐसे में ही काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये है Q1। तो ये अगर मान लेते हैं कि दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव आवेश हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव आवेश पे ये क्या करेगा, बल लगाएगा। तो जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, धक्का लगाएगा। तो जो आवेश लग रहा है, सॉरी बल लग रहा है, वो बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, किस पे लग रहा है, बन पे, तो लिखेंगे बन पे। कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है, तो हो जाएगा F(2)। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए इस पे भी क्या होगा, एक बल लगेगा, लगाएगा कौन, वो इस दिशा में लगेगा। किस पे लग रहा है, टू पे, कौन लगा रहा है, बन लगा रहा है, तो उसका मान हो गया F(2)। और दोनों का जो बीच का दूरी है इसको आप लोग कुछ मान लीजिए कि ये क्या है, आर है। इसको अब थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये टेढ़ा नहीं बनाना है आप लोगों को। हाँ ये रहा, ठीक है बच्चों, ये क्या, दोनों के बीच का दूरी क्या है, आर है। अब देखिए बल जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, F(1)(2) निकालना है और साथ ही साथ F(2)(1) निकालना है, F(2)(1) भी निकालना है। ठीक, तो देखिए F(1)(2) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा K(Q1Q2) बटे R²। ठीक है, ये हो गया इसका परिमाण। अब हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि किसको कहते हैं, तो सदिश उसे कहते हैं जिसमें क्या रहे, परिमाण रहे और साथ ही साथ क्या रहे, दिशा रहे, ये भी पता चले कि किस दिशा में कोई काम हो रहा है। तो ये तो रहा परिमाण की, इतना परिमाण में लगेगा, लेकिन दिशा, दिशा कहाँ है, तो देखिए ये जो दिशा है F(1)(2) है, F(1)(2) वो क्या हो रहा है, Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया बल है। तो ये किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में। और हम लोग दिशा बताने के लिए वेक्टर में पढ़ेंगे कि इकाई सदिश का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सदिश, इकाई सदिश। और इकाई सदिश कैसे दिखाया जाता है, कोई भी सदिश, जैसे I ले लिया तो I कैप लिख दिया, इसका मतलब है कि X अक्ष के दिशा में है। अगर हमने J कैप लिख दिया तो इसका मतलब है कि Y कैप के दिशा में, ये सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर ना तो X है ना ही Y है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि इस दिशा में बल जो है वो किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। इसको हम लोग मान लेते हैं R, किस पे लग रहा है, बन पे, लगा कौन रहा है, टू। तो ये वाला जो दिशा है ना, वो दिशा, अब इसको इकाई बनाना था तो क्या लिख दिया, कैप। तो इसका जो हम लोग ये दिशा बताने के लिए लिखेंगे R(1)(2) कैप, मतलब कि इतना बल लग रहा है इस दिशा में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे F(2)(1). अब चूंकि इसका दिशा भी बता दिया तो सदिश दिखाना पड़ेगा, और किसी भी राशि को सदिश कैसे दिखाते हैं, ऊपर में तीर लगा के। तो ये देखिए F(2)(1) क्या हो जाएगा, तो K(Q1Q2) बटे में कितना, R², दोनों के बीच का दूरी कितना है, आर है, लेकिन दिशा क्या है, Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल। तो इस तरफ भी एक इकाई सदिश मान लेते हैं, कैसे मानेंगे कि R2 पे बन द्वारा लगाए गए बल की दिशा किसके ये में होगी, R(2)(1) कैप के। तो इसको हमने मान लिया R(2)(1) कैप, और ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिए
ये जो चीज है, कोई चीज अगर इस तरफ दिशा में हो, कोई भी चीज मान लो इस तरफ जा रहा है और एक चीज इस तरफ जा रहा है, कोई वस्तु इस तरफ जा रही है, ये मूल बिंदु है। तो हम लोग कहेंगे ना कि इस तरफ वाली चीज जो है, मान लो कि ये 10 न्यूटन, इस तरफ जाने में 10 न्यूटन का कार्य करना पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ जाने में कितना लिखेंगे कि -10 न्यूटन। मतलब कि दोनों का परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा किस ओर हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, बल जो है वो किस तरफ लग रहा है, अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं। माइनस का मतलब होता है, अगर ये लिखा रहे कि ये एक बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है, हम कहें कि यहाँ से एक बंदा 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी में हम लोग मतलब कोड वर्ड सेट करके हैं कि जैसे ही हम 20 किलोमीटर बोलेंगे ना, तो मान लेना कि यहाँ से इस ओर 20 किलोमीटर का बात हो रहा है, ठीक। अगर हम बोले कि ये बंदा अभी -20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूरी तो माइनस में होता नहीं है, तो कोड वर्ड हम लोगों का बना हुआ है कि 20 किलोमीटर अगर बोलते हैं सिर्फ प्लस में तो इस ओर मानते हैं, तो जब माइनस बोल दिया तो इसका मतलब किस ओर है, इस ओर है, ठीक है। ये सदिश का तरीका है समझने का, ठीक है जी, कि अगर प्लस में रहे उस तरफ तो माइनस उसका ठीक क्या होगा, दूसरी तरफ। अगर प्लस में उस तरफ समझते हैं तो माइनस का मतलब क्या हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे R12 जो है, R12 कहाँ है, R12 ये रहा, R12 का दिशा इस तरफ है और R21 का दिशा क्या है, इस तरफ है, और दोनों ही इकाई सदिश है, तो दोनों है तो बराबर, लेकिन चूंकि दोनों का दिशा अलग है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का R21। ये माइनस जो है वो सिर्फ क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिशा बता रहा है कि दोनों का दिशा क्या है, अपोजिट है, ठीक। अब इसका मान जो है वो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं, तो लिखेंगे R12 का मान समीकरण एक में रखने पर। तो R12 का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या है बच्चों, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 / R² और R12 के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का R21, ठीक है। अब देखिए ये वाला माइनस को हम पहले लिख सकते हैं, तो हो जाएगा -Q1 Q2 / R² और ये क्या है, R21 कैप। अब जरा ध्यान से देखो इतनी चीजों को जितना मैं दिखवा रहा हूं, इसको जरा देखिए ये वाला चीज, तो ये वाला चीज जो है वो किसके बराबर है, F21 के बराबर है। देखिए F21 यही तो है, ये रहा अपना F21, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो यहां से हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि F12 इज इक्वल टू माइनस, तो लिख दिया माइनस, और ये पूरा का मान क्या है, F21, ठीक है। अब देख ये रहा सदिश निरूपण, मतलब क्या है, दोनों जो है एक दूसरे पे समान अगर आवेश लिए हैं तो दोनों एक दूसरे पे समान परिमाण में बल लगा रहा है, लेकिन बस दोनों का दिशा क्या है, अलग है। माइनस यहां पे क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि दिशा, ये अगर इस दिशा में लगा रहा है तो ये वाला किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कूलाम बल का क्या कर सकते हैं, सदिश निरूपण कर सकते हैं। तो ये था उसका डेरिवेशन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि आवेशों के समूह के कारण किसी आवेश पे लगने वाला कूलाम बल कितना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ढेर सारे आवेश हैं जो रखे हुए हैं, मैंने मान रखा कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ना मतलब Q4 इस तरीके से, ओ ये Q3 हो जाएगा, ये मान लेते हैं कितने ज़्यादा क्यों रखे हैं, इसी को मान लेते हैं कि ये क्या है, Qn है, और इसे रब कर देते हैं, ठीक है। ढेर सारे आवेश हैं यहाँ पे, बहुत सारे आवेश हैं, सबको हम लोग कितना दिखाएं, ठीक है जी। तो इन सारे आवेशों के कारण इस पे कितना बल लगेगा, हमें ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि ये वाला क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, तो बल का दिशा क्या होगा, मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव है तो दिशा क्या होगा, ये बल लगाएगा तो इसको हम लोग इस तरफ धक्का लगाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, F1 पे लगने वाला बल किसके कारण, F2 के कारण, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये कैसे बल लगाएगा इस पे, ये बल लगाएगा ऐसे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F1 पे लगने वाला बल किसके कारण, F3 के कारण, ठीक है ना, इसके कारण, Q3 के कारण, Q, सॉरी मैं बार बार F बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये Q1 है। अब देखो ये जो है वो क्या है बच्चों, ये है Qn के कारण लगने वाला बल, किस पे, Qn पे, Q1 पे, तो ये क्या हो जाएगा,
एफ वन पे लगने वाला बल किसके कारण, सॉरी क्यू वन पे लगने वाला बल किसके कारण, क्यू एन के कारण। ठीक है, तो इस पे कुल बल कितना लगा, तो इन सबको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बल लगा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग लिखेंगे एफ वन मतलब कि एफ वन पे लगने वाला कुल बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वन टू मतलब कि दो के द्वारा लगने वाला बल, एफ वन थ्री प्लस डॉट 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 एफ वन एन, सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो कुल बल निकल जाएगा कि इस पे कितना बल लगा है। अब देखिए आगे देखते हैं, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एफ वन टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि के क्यू वन क्यू टू बटे में क्या आर स्क्वायर दूरी, मान लिया कि ये जो आर वन दो का दूरी कितना है आर वन टू है, तो ये कितना हो जाएगा आर वन टू का स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अब साथ ही साथ हमको क्या करना है, दिशा भी बताना है, तो दिशा किधर होगा, तो ये लिखेंगे आर वन टू कैप, जो ये रहे वही वाला चीज मान लो कि क्या है, मतलब क्यू क्यू वन पे क्यू टू के कारण लगने वाला बल का दिशा क्या कौन दिखाएगा, आर वन टू कैप, है ना, ये दिशा हो गया। आगे देखिए प्लस क्यू, ये टू के कारण हो गया, अब थ्री के कारण देखते हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यू वन किसके कारण, क्यू थ्री के कारण बटे आर स्क्वायर, दूरी क्या मान लेते हैं आर कहां से कहां तक का, आर वन से कहां तक का, आर थ्री का, तो क्या हो जाएगा आर वन थ्री का स्क्वायर, दिशा क्या हो जाएगा आर वन पर सॉरी क्यू वन पर क्यू थ्री के कारण लगाया गया बल के दिशा में ही ये बल काम करेगा। आगे आ जाइए, अब देखिए डॉट डॉट दे देते हैं, कितना लिखोगे, तो क्या हो जाएगा के क्यू वन किसके कारण क्यू एन के कारण बटे, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा क्यू वन से क्यू एन के बीच का दूरी क्या मान लिया आर वन एन, और इसका क्या स्क्वायर, दिशा क्या हो जाएगा आर वन एन का। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे के सब में क्यूबन दिख रहा होगा, तो क्यूबन अगर हम कॉमन कर दें तो अंदर से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा क्यू टू आर वन टू स्क्वायर, और ये कितना है आर वन टू कैप, यहाँ क्या बचेगा क्यू थ्री, और ये क्या है आर वन थ्री और आर वन थ्री कैप, और ये डॉट 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 यहाँ क्या है क्यू एन आर वन एन का ये स्क्वायर है और ये आर वन एन का कैप। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे अंदर में जोड़ के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पे समेशन लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका सफिशियंट है कि एफ वन पे लगने वाला बल कितना है, तो इतना है, अगर आप इतना लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बलों को जोड़ देंगे बस पता चल जाएगा कि एफ वन पे लगने वाला बल कितना है। अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू क्या है के और क्यू वन तो बाहर है, तो इसको बाहर लिख दिया, फिर लिखा समेसन मतलब कि जोड़, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए टू से स्टार्ट हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है आई इज इक्वल टू टू से एन तक क्या है बच्चों ऊपर में क्यू, मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा, क्यू आर वन आई का स्क्वायर और आर वन आई का कैप, ये है फॉर्मूला, इसको जरा सा समझिएगा आप लोग, जैसे देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, एफ वन लिख दिया, के क्यू बाहर में था, के क्यू बाहर में लिख दिया, अंदर में बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और जुट रही हैं, तो कौन जुट रहा है, सबसे पहले क्यू टू जुट रहा है, ठीक है, और बटे में कितना है आर वन टू, देखिए बदल कौन रहा है, बदल ये रहा, ये देखो ये बन तो हमेशा बन ही है, देखिए है ना बन हमेशा बन है, बदल कौन रहा है बन टू थ्री, अंतिम अक्षर बदल रहा है, उसी तरीके से इस आर का अंतिम अक्षर बदल रहा है, देखो है ना, और कौन बदल रहा है Q2 बदल रहा है Q3 बदल रहा है, यहाँ बदलते बदलते कितना हो गया Qn हो गया, तो जो बदलता है ना उसके जगह पर ना हम एक चर संख्या मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया I, तो I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से बदलना स्टार्ट हो रहा है, देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है दोनों, तो हमने लिख दिया I इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक n तक, कौन बदल रहा है भाई ओ यहाँ पे I रहेगा, क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे
टू रखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई आर वन, यहाँ पे आर के साथ यहाँ पे वाला जो पहला संख्या है ना वो हमेशा क्या रखना है, वन रखना है, देखो हमेशा वन रखना है ठीक। और फिर आई, आई की जगह पर क्या रखना है, पहली बार में दो, दूसरी बार में तीन, तीसरी बार में चार, ऐसे। और उसके बाद क्या रखना है, आर वन, मतलब आर यहाँ पे पहले वन रखना है, इसके बाद यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव ऐसे रखते चलते चला जाना है। अब देखिए मैं आप लोग को और अच्छे से समझाने के लिए एक बार इसको मतलब इस रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ उसके मदद से। सबसे पहले क्या हो जाएगा, F1 is equal to K Q1 into, ये क्या है, into है ठीक है, into क्या, I is equal to 2, तो सबसे पहले समेशन का चिन्ह हटेगा, तो I is equal to 2, I के जगह पर 2 रखेंगे, बटे R1, I के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर, R I के जगह पर 2 कैप। देखो ये वाला चीज लिखा गया क्या, यही चीज लिखाया ना, है ना, समेशन है तो इसका मतलब क्या, जोड़। फिर से इसी चीज को Q I इज इक्वल टू, अब क्या रखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई R बन, और I इज इक्वल टू कितना, 3, फिर R बन 3 और इसका क्या, कैप, और ये तो स्क्वायर था। देखो यही चीज लिखा रहा है ना लगातार, ऐसे ही क्या होगा, लिखाते चला जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर क्या यहाँ पे हमेशा बन ही रहेगा ये वाला चीज, तो नहीं बच्चों, ये हमेशा बन नहीं रहेगा, यहाँ पे चूंकि हमने ये आवेश बन पे निकाला था इसीलिए वो बन आ रहा है। अगर हम लोग आवेश टू पर निकालते है ना, कि आवेश टू पर इन सब के कारण लगने वाला बल, तो यहाँ पे क्या आता, टू आता, टू आता। अगर आवेश थ्री पे निकालते तो क्या आता, आवेश थ्री आता। तो ये था कि आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पे लगने वाला कुलाम बल कितना है। आप लोग कहोगे सर हमेशा माइनस में ही रहेगा क्या, नहीं, अगर हम लोग माइनस में ले ले आवेश को, मतलब प्लस में रहेगा, अगर हम माइनस में ले लें तो माइनस में भी आएगा ठीक है। अभी तो मतलब कैलकुलेशन है सिंपल अलजेब्रा के जैसा, तो समझने के लिए प्लस में लेते हैं, ज़्यादा हौच पौच ना हो इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सर क्लास के साथ।